कर लिए, टेस्टिंग की है। अब बारिश कहाँ बात, आज इबादत की रात है तो आप सब लोग दुआ करना कि अल्लाह ताला हम सब की मगफिरत कर दे। आमीन। छोटी सी यार कैसी कैसी बातें करती हैं। अपने पेपरों का भी कहो ना, एग्जाम भी होने वाले हमारे। अल्लाह ताला सब बच्चों को पास करे, अबरिश को भी, वरदा आपको भी, सबको। क्या खाएंगी? पिज्जा बर्गर। पिज्जा बर्गर सही। आज मैं बनाती हूँ थोड़ा सा स्पाइसी खाना, चिकन कढ़ाई और अचारी मसाले वाली बनाती हूँ। सही। अभी हमारा कूड़े वाला भी आया है, ये सीढ़ियाँ भी वॉश की हैं, अभी कूड़ा उठा के जाएगा। मेरे पौधे बहुत अच्छे हो रहे हैं, इनको पानी भी रोज दे रही हूँ, खाद भी दी है। ये मैंने परिंदों के लिए यहाँ पे चावल डाल दिए थे। ये मनी प्लांट थोड़ा सा सूख गया था मगर अब कुछ बेहतर हो रहा है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला घर देंगे तो बहुत अच्छा सेट करूँगी। इतना धो लिए कि बोल के भी कह रही है बस कर दो नौशा। मैंने मोटे मोटे प्याज काट लिए हैं, अदरक लहसुन भी ले लिया है, इसको मैं ऐसे बीच में डाल रही हूँ, फिर मैं इसको करूँगी ग्राइंड। अल्लाह लज्जत डाले आपके खानों में। अल्लाह बरकत डाले आपके खानों में। जात सारी बनी हुई आज में। एनु मोटा मोटा कट लो, बीज में डाल दो यार। सब बस मिर्ची भी ऐसे मोटी मोटी काट लें, क्या खुशबू आता है घर में। आज मैं मुख्तलिफ बनी हुई है, मुख्तलिफ। आप यकीन करें जब ये आप अदरक लहसुन और प्याज डालेंगी, सबस मिर्च जब ये फ्राई होती है ना, ओए होए क्या इसकी खुशबू आती है कि हमसाए भी उठ के आ जाते हैं कि आज आपने पकाया क्या है। आज ये कलर चेंज कर लेंगी तो मैं बाकी अगला काम आपके सामने करूँगी। अब आज ना इन्होंने कलर चेंज कर लिया है और अब इसमें ये मैंने 3 टमाटर लिए हैं मोटे मोटे, ये भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। एक साइड पर करना है, वो लग जो बाकी ऑयल बच गया था इसमें ही, ये चिकन अच्छी तरह से लूँ पका लूँगी, कलर चेंज हो जाए, खुशबू आने लगे। कलर चेंज कर लिया, ये भी करी में लगा लगा के चिट्टी हो गई है। चिकन ने कलर चेंज कर लिया है, अब ये जो मसाला था वो मैं सारा इसके अंदर ऐड करूंगी। डाला था तो बीच में वरदा ने 2 आलू भी डाल दिए हैं। तो भाई इसमें आप एक सालन बना रहे मगर आप 2 चॉइस कर सकती हैं। इसमें आप काली मिर्च भी पीसी हुई डाल सकती हैं, वो काल और क्या कहते हैं क्रीम भी डाल सकती हैं। और अगर वो उस तरह नहीं बनाना चाहती तो ये मैंने लिया है शान अचारी मसाला, तो ये मैं बीच में ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा ये टमाटर का पानी खुश्क हो जाएगा तो मैं इसमें दही भी डाल दूँगी। ये देखें अब ये साइडों से ऑयल छोड़ रहा है, बहुत अच्छी टेस्टी ग्रेवी बनेगी और बहुत मज़े का मसाला। इचारी गोश्त मसाला आप अपनी टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकती हैं, मेरे बच्चे थोड़ा सा कम खाना पसंद करते हैं मसाला तो मैंने नॉर्मल डाला है। ये मैंने दही डाल दी है। ये देखें गाइस, ये देखें हमारा सालन बिल्कुल तैयार हो गया। अब ये ऑयल निकलता आ रहा है, आप नान लें, रोटियां लें, चपाती, बड़ा मज़े का लगेगा, आप खा के देखें। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कंप्लीट वीडियो देखें।